प्रयागराज महेवा त्रिवेणी संगम सेवा समिति का द्वितीय वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लगन बिहार गेस्ट हाउस महेवा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रिंकू निषाद जी, ओनर लगन बिहार गेस्ट हाउस व भारत पेट्रोल पंप के द्वारा मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित करने के बाद आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चार शंख नाद के बाद प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जी ने कहा कि समिति का सर्व समाज के अति निर्धन परिवारों की लड़कियों की शादी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा, समाज की शोषित पीड़ित असहाय लोगों की सहायता करना सच्ची मानव सेवा है, सच्ची मानव सेवा है। उन्होंने आगे कहा कि त्रिवेणी संगम मेरा परिवार है, जब भी मेरी आवश्यकता होगी एक समाज सेवी के रूप में सदैव तत्पर रहूंगा। मुख्य अतिथि व अन्य वरिष्ठ समाज सेवियों के द्वारा अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं व समाज सेवियों को अंगवस्त्र, पुष्पहार व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्थापक सचिव दिनेश यादव ने बताया कि समाज की गरीब, निर्बल, असहाय दिव्यांग जनों की सेवा हेतु समिति सदैव मददगार हेतु अग्रसर रहती है। बीते 12 अप्रैल 2024 को संयुक्त संस्थाओं के सहयोग से 15 सर्वजातीय कन्याओं का विवाह दिव्य और भव्य स्वरूप से संपन्न हुआ। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से आप आए हुए सर सम्मानित पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज सर्वजातीय कन्या शामिनी विवाह का आयोजन प्रतिवर्ष करती है और क्षेत्र में गरीब, असहाय, दिव्यांग जो भी जरूरतमंद कन्याएं हैं उनका सामूहिक विवाह के नए परिवार की ओर से किया जाता है। समाज में जो भी गरीब तबका है, वृद्धा वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा के लिए, वृक्षारोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए, रक्तदान के लिए त्रिवेणी संगम सदैव कार्य करती आई है। त्रिवेणी संगम सेवा समिति के साथ साथ जितने भी हमारे समिति के सेवक सहयोगीगण हैं, मातृशक्तियाँ हैं, सभी का विशेष आभार है। उन क्षेत्र में आम जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि मानव रूप में आपने जन्म लिया है तो कमाते खाते तो सब है, नर सेवा, नारायण सेवा, और आप मानव की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, जो असहाय वृद्ध हैं उनकी सेवा करिए, तभी आपका मानव जीवन सफल है। हम लोग क्षेत्र में घूम घूम के देखते हैं कि कौन गरीब असहाय है, पात्र है, उनका निःशुल्क सेवा के रूप में सामूहिक विवाह करवाए। 12 अप्रैल को 12 कन्याओं, 15 कन्याओं को विवाह किया गया। आने वाले 26 फरवरी 2025 को एक बार पुनः इसी लगन बिहार प्रांगण से 21 कन्याओं का विवाह सुनिश्चित हुआ है। तो मैं आप सभी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ, सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ, पदाधिकारियों का, मातृशक्तियों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सामूहिक विवाह में अपना सहयोग दिया, सभी का आभार प्रकटता हूँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।